इस चीज को साइंस भी तस्लीम करती है कि रेडिएशन होती है, एलिमेंट्स के अंदर से शुआएं निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, एटम बम जिससे बनाया जाता है, यूरेनियम और प्लैटिनम वगैरह, इस तरह के कई और एलिमेंट, दीगर एलिमेंट है जिनके अंदर से रेडिएशन निकलती है, और बहुत सी किस्म की रेडिएशन साइंस ने जो है वो मालूम कर ली हैं, ईजाद कर ली हैं, और बहुत सी अब तक उसके लिए जो है वो अभी तक वो उससे रोशनास नहीं हो सकी। तो देखिए इंसान के जिस्म के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और दीगर ऐसे कई एलिमेंट्स इंसान के जिस्म में, तो रेडिएशंस मौजूद होती हैं हर चीज़ के अंदर। इसी तरह जब जिस्म के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है, अनासर मौजूद है, तो आँखों से जो शुआएं निकलती हैं, आपने साइंस के अंदर रिफ्लेक्शन पढ़ा है, वो क्या है, शुआएं ही तो हैं रोशनी की। तो वो जब आंखों से टकराती है और आंखों में दाखिल होती है और आंखों से निकलती है, तो उनके असरात होते हैं। मगर नजरे बद जो है, खुसूस इसका ताल्लुक है हसद से, एक मिसकंसेप्शन है कि किसी की तारीफ की प्यार में माँ बाप ने बहन भाइयों ने एक दूसरे की तो कहते हैं नजर लग जाएगी, ऐसे नहीं लगती नजर। नजर जो है ये हसद है, जो हसद से कोई किसी को देखता है और वो जो उसके अंदर हवस और हसद और लालच और तअस्सुब की जो निगाह डाली जाती है उसका असर होता है। इसीलिए तो निगाह मुर्शिद की बात की जाती है, अच्छी नजर की वो भी लगती है, और जिस तरह बुरी नजर लगती है उस तरह अच्छी भी तो नजर है, उसके भी तो कमालात होंगे, नेक लोगों की जो नेक नजरें उनके भी कमालात होते हैं। अब नजर बद जो है, इसका दम इस वक्त स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, ये वो दम है जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद लेकर आए हजरत हसन और हुसैन के लिए कि या रसूलल्लाह इन पर पढ़कर फूंके ताकि ये नजर बद से बचे रहे। तो ये दम बच्चों के ऊपर अमूमन बच्चों के साथ ये मामला होता है, या और भी कोई अगर घर में किसी के साथ इस तरह का मामला हो, 70% केसेस नजरे बद के होते हैं, जो हम बना लेते हैं ना जादू हो गया, तावीज़ हो गया, होता है वो भी, लेकिन 70-80% केसेस ये नजरे बद के होते हैं, नज़र लगी हुई होती है और इससे हमारा रोज का सामना होता है, हासिल मौजूद हैं। तो ये दम किया करें, और उसके अलावा मुआवज़ात जो आखिरी तीन सूरतें हैं, सूरह इख़लास, सूरह फलक, सूरह नास, ये पढ़कर सुबह शाम अपने ऊपर दम करें। रिवायात में हमें ये मौजूद मिलता है कि जो मुआवज़ात हैं, और ये खुसूसन इसी वजह से उतरी थी आखिरी दो सूरतें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लबीद बिन आसिम की बच्चियों ने जब जादू किया था, तो उसके लिए ये, उसके तोड़ के लिए उतारी गई थी। तो ये जो अजगार हैं सुबह शाम के, तीसरा कलमा ये भी एक जिक्र है, अगर आप सुबह इसको 100 मरतबा पढ़ें तो इंसान शैतान से उस पूरे दिन बचा रहता है, शैतान का हमला, जो शयातीन जिन्नात हैं इनका हमला नहीं होता। तो इस तरह के अजगार से अपने आप को लीस रखा करें, ये हथियार हैं नजर बद और जादू वगैरह के खिलाफ।